लो एवरी वन दिस इज सी ए दिव्या अग्रवाल योर दिव्या मैम फ्रॉम एम ई पी एल एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर चैप्टर नंबर सेवन स्टडी नोट सेवन विच इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट अरे मैम ये चैप्टर का ही नाम नहीं समझ में आया तो टॉपिक कहां से समझ में आएगा पहले चैप्टर का नाम समझाइए इतना बड़ा चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट माय गॉड सो दी टॉपिक इट इज तो सुनो कभी एक फैक्ट्री में गए हो हैव यू यूर विजिटेड अ फैक्ट्री फैक्ट्री देखा है कभी अरे टीवी में देखा होगा रियल में नहीं देखा है तो फैक्ट्री में क्या रहता है बड़े बड़े मशीन रहते हैं जिससे काम होता है कितनी बार मैंने आपको आ, आ, मेरे को याद नहीं आ रही मैंने आपको वीडियो दिखाया था क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में किस तरह से प्रोडक्शन होता है बड़े बड़े मशीन रहते हैं कोको कोला -को -को का बॉटलिंग प्लांट ये सब होता है अच्छा एक चीज बताओ आपको क्या लगता है ये मशीन मतलब क्या है इंसान है क्या जो चलते जाएंगे चलते जाएंगे इनफैक्ट इंसान में भी ब्रेकडाउन पॉइंट आता है हम भी थक जाते हैं टायर्ड हो जाते हैं क्या आप ट्वेंटी फोर आवर्स पढ़ाई करते रहोगे क्या आप भी थक जाते हो ना यार बहुत आप ब्रेक ब्रेक चाहिए ब्रेकडाउन हो गया दिमाग काम नहीं कर रहा है ऐसे बोलते हो ना अब पढ़ाई में एकदम फोकस नहीं लग रहा है हमारा जो है ना पूरा सैचुरेशन लेवल हाई हो चुका है हम लोग ओवर सेचुरेटेड हो गए हैं हमें अब ब्रेक चाहिए फिर एक दो दिन का ब्रेक ले लेते हो छुट्टी मनाने चल जाते हो कॉन्टिन्यूअसली हम नहीं पढ़ाई कर सकते तो वैसे ही अगर हम मशीन का बात करें मशीन कॉन्टिन्यूसली काम नहीं कर सकता तो मशीन के लाइफ में भी उनका ब्रेकडाउन आता है जैसे आपके लाइफ में ब्रेकडाउन होता है ना ब्रेकडाउन कब होता है जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया है जब आप बहुत ज्यादा टीडियस टास्क कर चुके हो या फिर आपके संग कुछ बुरा हुआ है आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं है ठीक है बोलते हो ना यार धोखाधारी हो गया ब्रेकअप हो गया तो हम लोग ब्रेकडाउन हो गए हैं ब्रेकअप हुआ है लेकिन हमारा ब्रेकडाउन हो गया है हमें दो तीन दिन का ना वो चाहिए ब्रेक चाहिए तो ब्रेक के लिए हम लोग लो गोवा चल जाते हैं ठीक है ऐसे आजकल यंगर जनरेशन लोग करते हैं देखो हम लोग तो ये सब नहीं करते हैं तो वैसे जो मशीन होता है ना वो भी क्या हो जाता है और ऑलरेडी मैंने आपको बोला ये सब जो अफेयर्स होते हैं ना दीज आर पासिंग अफेयर्स एक आता है दूसरा जाता है दूसरा आता है तीसरा आता है इस पे तो आप हीड़ ही मत दो हीड मतलब अटेंशन ही मत दो एक जन से सिर्फ प्यार करो समझ मार है एक जन को अपना सच्चा इश्क मान लो जो कि आपका स्टडीज एट प्रेजेंट सीएमए सीएमए को अपना प्यार मान लो लक्ष्य मान लो अपना प्यार मान लो इससे सच्ची मुहबत करो तो देखना रिटर्न में आपको कितना फायदा देगा और ये सब जो आप पासिंग अफेयर्स करते हो ना इससे ना कोई फायदा होने वाला है सिर्फ नुकसान ही नुकसान है ठीक है तो पहले इसको शिद्दत से हासिल कर लो फिर उसके बाद बाकी चीज अपने आप आपके पीछे भाग कर आएगा समझ में आ रहा है क्लियर हाँ नीरज बोल बन जाए उसके बाद अफेयर करेंगे तो अफेयर करना जरूरी है क्या भाई हाँ मैम जरूरी है ठीक है कर लेना पहले सीएमए पे फोकस करो ये पर अफेयर के बीच में डिफरेंस होता है ठीक है तो अब वैसे ही मैंने बोला मशीन भी जो है थक जाता है काम करते 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 यार उसको भी क्या होता है ना वो थक जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है उसका भी जो अस्थि पंजर है वो टूट जाता है समझ में आ मशीन का कोई पार्ट डैमेज हो गया मशीन रुक गया अचानक से सोचो कितनी बार तो ऐसे होता है लेबर मशीन में ऑपरेट कर रहा है ठीक है लेबर जो है ना वो मशीन में ऑपरेट कर रहा है ऑपरेट करते करते अचानक से मान लो मशीन रुक गया उसका हाथ कट गया एक्सीडेंट्स होते हैं हो बहुत सारे मशीन ब्रेकडाउन की वजह से काम कर रहा है शॉर्ट सर्किट हो गया मशीन से ऐसे आग निकलने लग गया पावर फेलियर हो गया कुछ प्रॉब्लम हो गया मशीन का प्रोडक्शन रुक गया तो ये जो मशीन में जब ब्रेकडाउन हुआ किसकी वजह से हुआ क्योंकि आपने मशीन को बहुत सालों से काम करवाया या कोई टेक्नोलॉजी फेलियर हो गया या कोई अंदर में कोई पार्ट डैमेज हो गया या कंटिन्यूअसली इतना काम करवाया उसका सर्विसिंग नहीं करवाया रिपेयरिंग नहीं करवाया ठीक है उसका सर्विसिंग नहीं कराया उसका रिपेयरिंग नहीं करवाया इस वजह से अब जो है वो जवाब दे चुका है अब उसको सर्विसिंग का दरकार है जैसे गाड़ी गाड़ी भी जो आप चलाते हो आपको पता होगा जिन लोग कार चलाते हैं फोर व्हीलर चलाते हैं उन्हें पता होगा कि कार्स को भी आप लोग ना एनुअली या सेमी एनुअली सर्विसिंग में देते हो नहीं दोगे तो बीच में क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा गाड़ी रुक जाती है

नहीं आपका मरम्मत किया जाता है आपको मोटिवेशन का डोजेस दिया जाता है तो वैसे मशीन का भी मरम्मत करना पड़ेगा समझ मार है तो अगर मशीन का ब्रेकडाउन हो गया तो मशीन को हमें क्या करवाना पड़ेगा रिपेयर करवाना पड़ेगा सर्विसिंग करवाना पड़ेगा उसे वापस से ठीक करवाना पड़ेगा तो उसके लिए खर्चा लगेगा हाँ लगेगा जो पार्ट जो है फेल हुआ है उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा ना तो so, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस so breakdown maintenance is the maintenance of a machine which has got broken down because of repeated work being done by that machine because you have not done the servicing of that machine from maybe so many years or decades theek hai uska performance failure ho gaya hai अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा मेंटेन करना पड़ेगा ना तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस

बीमारी को बुलाते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं दवाई लेकर अरे यार अपना इम्यूनिटी ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि बीमारी आए ही नहीं तो प्रिवेंशन करो ट्रीटमेंट की जगह प्रिवेंशन करो तो वही बोल रहे आप मशीन को ब्रेकडाउन होने दो ही मत ना अगर आप मशीन का टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाओगे मेंटेनेंस करवाओगे जिससे ब्रेकडाउन हो ही नहीं ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रेकडाउन को पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं ब्रेकडाउन हो सकता है बट कम से कम मिनिमाइज तो कर सकते हैं नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन को मे भी मेरा साल में ना आठ आठ बार ब्रेक डाउन होता था लेकिन जब से मैंने एक एएमसी करवा लिया एएमसी के बारे में सुना है जैसे आप लोग घर में अपने ए रेफ्रिजरेटर माइक्रोवेव ये सब का भी ए लेकर रखते हो क्यों ताकि वो लोग आकर इसका सर्विसिंग करके जाए फ्री में चेकिंग करके जाए कुछ इनको लग रहा है कोई पार्ट वीक हो गया या पार्ट खराब हो रहा है तो वो मेजर फेलियर के पहले ही पकड़ के उसको रिप्लेस कर दिया जाए मेजर फेलियर होगा तो लंबा खर्चा आएगा ना पूरा इक्विपमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा

अब आप उसे रिपेयर करवा रहे हो और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना क्या हुआ मशीन अभी टूटा नहीं है खराब नहीं हुआ है आप बीच बीच में उसे चेकिंग कर रहे हो रेगुलरली सर्विसिंग अगर करने का दरकार है तो सर्विसिंग करवा रहे हो रेगुलरली उसके लिए आपने शायद कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है शेड्यूलिंग कर रखा है स्केड्यूलिंग कर रखा है आजकल तो ईआरपी सॉफ्टवेयर में यू you नो know, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी स्केड्यूल स्केड ऑटोमेटिकली लगा देते हैं जैसे मैंने टाइम लिमिट लगा दिया हर तीन महीने में मेरे मशीन का सर्विसिंग होगा तो जैसे ही तीन महीना इलेप्स हुआ ऑटोमेटिकली मेरा मशीन बंद हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सर्विस डिपार्टमेंट के पास इंटीमेशन चल जाएगा वो लोग आकर मेरे मशीन को सर्विसिंग करके जाएंगे तो यहाँ ब्रेकडाउन नहीं हुआ आप समझो ना क्या हुआ मैंने बोला ठीक है तो हमने स्केड्यूलिंग कर रखा था दैट इज वाई तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब क्या हुआ कि हम रेगुलरली मशीन को अपना मेंटेन करके चल रहे हैं उसका चेकिंग कर रहे हैं इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनका रिपेयर कर रहे हैं ताकि मेजर फेलियर को हम लोग प्रिवेंट कर सके फ्यूचर में मेजर ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कर सके फ्यूचर में जिसमें लंबा चौड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर लग सकता है तो so ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ तो पूरा मशीन जवाब दे चुका है और इसमें लंबा चौड़ा खर्चा लगता है करना मतलब क्या हुआ आप जब मशीन को रेगुलरली इंस्पेक्ट करो रिपेयर करो सर्विसिंग करो रेगुलर बेसिस पे उसको बोलते हैं नो व्हाट इज रूटीन मेंटेनेंस रूटीन मेंटेनेंस एक छोटा फॉर्म है जैसे नहीं होता है मशीन में जंग लग जाता है तो हम लोग लुब्रिकेंट्स डालते है, केरोसिन डालते हैं ऑयल हैं तेल डालते हैं ताकि उसका जो है आ, फ्लो अच्छे से हो सके जैसे हमारे घर के दरवाजे में अगर लोहा का है है तो तो जंग नहीं लग जाता तो मम्मी लोग बोलती है, तेल डाल दो किरोसिन तेल डाल दो तो जो जंग लगा हुआ चीज है वो ठीक हो जाएगा तो इसकी वजह से ऐसा थोड़ी है पूरा घर को लॉक कर देना पड़ता है यानी रूटीन मेंटेनेंस व लुब्रिकेशन करना अपने मशीन के पार्ट को जिसकी वजह से आपको मशीन को बंद नहीं करना पड़ेगा लेकिन जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो तो मशीन को बंद करके आपको देखना पड़ता है इंस्पेक्शन करना पड़ता है यानी यहाँ पे प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट होगा जैसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में भी डाउन टाइम आएगा मशीन बंद हो गया तो अब रिपेयर करने में समय लगेगा ना दो दिन तीन दिन डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या क्रिटिकल इश्यूज है तो यहाँ प्रोडक्टिव आवर लॉस्ट होगा कि नहीं मशीन का भी लेबर का भी अब वो लेबर जो मशीन में काम कर रहा था वो आइडल बैठा है दो दिन तक जब तक मशीन रिपेयर होकर नहीं आ जाएगा वो तो बैठा हुआ है नहीं ऐसे ही तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा और इम्पैक्ट तो है ना प्रोडक्टिविटी पे हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है ना सिमिलरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी जब करते हैं तो जैसे वहां पे समय कम लगता है लेकिन कुछ डाउन टाइम तो आएगा डाउन टाइम मतलब मशीन उस टाइम में जब हम लोग अपना रिपेयरिंग करवा रहे हैं चेकिंग करवा रहे हैं इंस्पेक्शन करवा रहे हैं तो मशीन मेरा ऑपरेशनल नहीं रहेगा लेकिन कुछ समय तक कम समय लगेगा एज कम्पेयर टू ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और रूटीन में तो मशीन बंद करने का भी दरकार नहीं है मशीन चलते रह रहे और आप सर्विस को यूज भी कर रहे हैं और मेंटेन भी कर रहे हो साइड बाई साइड लुब्रिकेट एन ऑल यूज कर रहे हो ना तो उसमें मिनिमम समय लगता है रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस मतलब क्या हुआ जब आपने पूरे मशीन को रिप्लेस कर डाला वहां के पार्ट्स को रिप्लेस नहीं किया पूरे के पूरे मशीन को रिप्लेस कर डाला क्यों मे बी टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो गया या फिर आपका मशीन जो है टेक्नोलॉजिकल फेलियर यानी मशीन ऑप्सुलेट हो गया कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, गया मार्केट में तो अब ये मशीन जो है आपका डिजायर्ड नीड्स जो है डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं दे पा रहा है आपको भी नया टेक्नोलॉजी वाला मशीन लाना पड़ेगा नहीं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से मार खा जाओगे आपके कस्टमर्स चले जाएंगे उनके पास सो so, एक हो गया रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी फेलियर इज रेफरिंग टू और एक मेंटेनेंस कब करना होता है जब वियर एंड हो गया मशीन का लाइफ दस साल था दस साल तक पूरा यूज कर लियो तो अब दस साल बाद तो रिप्लेस करोगे जैसे आप अपने मोबाइल को रिप्लेस करते हो कितनी साल में आपका एनुअल लाइफ बताओ क्या है आपका इकोनॉमिक लाइफ क्या है ऑफ योर मोबाइल फोन कितने साल में रिप्लेस करते हो रिप्लेस कितने साल में करते हैं बताओ तीन साल में करते वेरी गुड तीन साल के पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो ये क्या हो गया रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में मैंने ये नहीं बोला पूरा मशीन को रिप्लेस करते मैंने बोला कोई पार्ट चेंज करते जिसकी वजह से फेलियर हुआ है मशीन में बट रिप्लेसमेंट में पूरे के पूरे मशीन को रिप्लेस कर देते स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट मतलब अब जैसे मैंने बोला ब्रेकडाउन हो गया मशीन का तो कोई पार्ट्स है मशीन का जो रिप्लेस करना है तो वो पार्ट आप जाओगे मार्केट में खरीदोगे दो तीन दिन और वेस्ट हो जाएगा तो जो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट आपके मशीन के उसका आप स्पेयर को क्या करके रखो स्टॉक में रख के रखो कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए कोई मशीन में प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास स्टॉक में वो स्पेयर पार्ट है वहां से आपने निकाला और उसको रिप्लेसमेंट कर डाला सो दैट इज कॉल्ड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट ठीक है ऑल दो योर इंस्टीट्यूट मैट हैज गिवन दिस टॉपिक बट नॉट टॉक अबाउट दिस टॉपिक समझ में पांचों का डिफरेंस क्या है टेलनी गॉड ब्लेस यू बताओ बच्चों को इन्वाइट करना पड़ता है क्लास करने के लिए आई हेव टू गिव यू एन इन्विटेशन ओके नो वरीज चलो तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे मुझे बताओ व्हाट वी आर डिस्कसिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट सबसे पहले आपने मशीन को बिल्कुल भी चेक नहीं करवाए इंस्पेक्शन नहीं करवाए सर्विसिंग नहीं कर रेगुलरली मशीन को एकदम मतलब ब्रूटली यूज किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो अब मशीन भी बेटा आपको जवाब दे दिया हार मान लिया ब्रेकडाउन हो गया ठप हो गया बैठ गया अब मशीन जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हुआ है कोई पार्ट्स खराब हो गया मशीन का जिसका अर्जेंट रिप्लेसमेंट का दरकार है तो अब आप उसको रिप्लेस करोगे तो उसकी वजह से मशीन दो तीन दिन तक ऑपरेटिव नहीं है तो दैट इज कॉल्ड डाउन टाइम जिसमें लेबर आवर्स लॉस्ट होगा मशीन आवर्स लॉस्ट होगा प्रोडक्टिव आवर लॉस्ट होगा तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हो गया जब आप मशीन को रेगुलरली इंस्पेक्ट करवा रहे हो, जिससे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन को कम कर दो मैंने ऐसा नहीं बोला ब्रेकडाउन नहीं, हो हो नहीं कर सकते अब मशीन अचानक से बंद हो गया ये तो मशीन का बात किया मैंने आप सोचो ना अभी एरोप्लेन कितने क्रैसेज होते हैं अभी आपने सुना रिसेंटली चाइना वाला फ्लाइट का डोमेस्टिक फ्लाइट का कितने सारे पैसेंजर्स गिर गए फ्लाइट अचानक से ऊपर से नीचे वर्टिकली गिर गया स तो नहीं होता होगा उन लोग तो ही होंगे हर एक, एक, दो, दो में, आपको नहीं पता फ्लाइट का इंजन चेक, चेक किया जाता है लेकिन फिर भी ब्रेकडाउन हो गया ना तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा की मैं चाह रही हूँ कि मेरा नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कम हो जाए और मेरा मशीन अच्छे खास से चले और उसका पूरा इकोनॉमिक लाइफ को हम लोग प्रॉपरली यूटिलाईज कर सके ठीक है रूटीन मेंटेनेंस हो गया छोटा मोटा काम जो आप मशीन चल रहे है, साथ साथ कर रहे हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी डाउन टाइम आएगा जब आपका मशीन सर्विसिंग के लिए जाएगा तो एक दो महीने त... सॉरी एक दो महीना बोल रही हूँ एक दो घंटा के लिए हो सकता है मशीन अवेलेबल ना हो आपके पास तो यहाँ पे भी, भी डाउन टाइम आएगा डाउन टाइम मतलब समझ गए द टाइम ड्यूरिंग विच द मशीन इज नॉट फंक्शनल नॉट ऑपरेटिव और रिप्लेसमेंट मतलब पूरा का पूरा मशीन को रिप्लेस कर डाला स्पेयर पार्ट मतलब स्पेयर पार्ट भी रख के रखो क्योंकि न जाने कब कोई दुर्घटना घट जाए आपका मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और ऐसा स्पेयर पार्ट जो आपकी मशीन में लगना है वो स्पेयर पार्ट कोई मार्केट में किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है स्टॉक आउट हो रखा है तो अगर आप उसका स्टॉक रख रक के रखोगे तो ये सब दुविधा से आप बच पाओगे अब सम से आपके बुक्स में प्रैक्टिकल क्या है इसी के ऊपर प्रैक्टिकल है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के ऊपर सम है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर सम है रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस के ऊपर सम है स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट के ऊपर सम्स है तो ये सब टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग सम्स दिया हुआ है जो हम लोग मस्ती से डिस्कस करेंगे अगर मान लो आगे तो क्या लिखोगे पहले लिखोगे ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है जब मशीन अचानक से काम करना बंद कर दे उसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं अब उसको जब आप रिपेयर करवा रहे हो उसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं और इसकी वजह से प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट होता है तो देखो क्या लिखा मैंने व्हेन मशीन फेल्स टू परफॉर्म इट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन अचानक से होता है रिपेयर पीरियड मैंने ऑलरेडी बोला जब रिपेयर चल रहा है मशीन को यूज थोड़ी कर सकते इसका मतलब प्रोडक्टिव आवर्स क्या हो गया लॉस्ट हो गया प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कम हो गया है, है ना तो कितनी बार ऑर्गेनाइजेशन को लगता है ना यार ये फालतू का मेंटेनेंस मेंटेनेंस कराएंगे जिससे हमें भी लगता है घर में उन लोग आते हैं ना फ्रिज वाले लोग बोलते हैं सर एएमसी ले लीजिए ना तो आपके हाँ, हम लोग हर महीना सर्विसिंग करेंगे तो हम लोग बोलते हैं लोग का का पैसा बनाने स्कीम है क्या एएमसी लेंगे एएमसी में पैसा लगेगा फिर लेकिन तब पछताते हो जब फ्रिज खराब होता है हो और मोटा खर्चा आता है लेकिन हम लोग एक्सटेंडेड वारंटी लेके रखते हैं तो बीच में लोग सर्विसिंग करके जाते हैं ना फ्री में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी वजह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है खर्चा लगेगा फालतू का बट ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर द फैक्ट दैट ब्रेकडाउन रिपेयर कॉस्ट मोर देन रेगुलर मेंटेनेंस प्रैक्टिस है ना जब मेजर फेलियर होगा तो ज्यादा खर्चा लगता है अगर आपने मशीन का ध्यान रखा होता तो ऐसा दिन नहीं आता तो इससे अच्छा थोड़े थोड़े ऑपरेशनल खर्चा उठाओ ना राधा दिन करेंगे लेकिन कभी कभार जरूरी नहीं कि हर चीज का सर्विसिंग लो अब अपने मोबाइल फोन का पेएमसी लेते हो क्या कि हर महीने मोबाइल कंपनी वाला आके आपका सर्विसिंग करके जाएगा हम लोग खुद ही सर्विसिंग कर लेते हैं मोबाइल का नहीं लेते हम लोग बेकार है क्या सर्विसिंग लेंगे

नोट नहीं करना है मैंने नोट लिख रखा है ना ऑलरेडी तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी आप कॉपी में लिख लेना अभी नोट नहीं करना है अभी खाली सुनो थोड़ा इसका थ्योरी लंबा है तो अभी नोट करेंगे तो पूरा क्लास फिर थ्योरी में चला जाएगा मुझे आज प्रैक्टिकल सम्स भी करवाने हैं पांच टू तो घर पे कर लोगे नोट घर पे कर लोगे हैंडराइटिंग समझ में आता है ठीक है कर लोगे तो ये हो गया मेरा पूरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा नहीं लिख लोगे पहले लिख देना ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है ब्रेकडाउन से जब ब्रेकडाउन होता है तो मशीन इनऑपरेटिव प्रोडक्टिव नहीं रहता है इग्नोर है, करते हैं है है कि जब ब्रेकडाउन होगा मशीन तो खर्चा ज्यादा लगेगा ठीक है ना नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है मैंने ऑलरेडी बोला हम लोग ऑलरेडी जब फिक्स इंटरवल वेल ऑफ टाइम में फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपना करके रखते हैं कि मेरा मशीन का कब रिपेयर एंड सर्विसिंग होगा विच में रिक्वायरमेंट का मशीन कर, तीन बाद करवाने की, चार महीने बाद की, की, की साल में एक बार करवाने आप स्केडिंग करके रखते हो और वो भी ईआरपी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली इंटीमेशन आ जाता है आपको याद करने का दरकार नहीं है डेट्स का ईआरपी सॉफ्टवेयर में डाल दिया ईआरपी में फ्लैश हो जाएगा टाइम फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस समझ में आया और जब जितने टाइम के लिए आपका मशीन रिपेयर एंड सर्विसिंग में जाएगा तो उतने टाइम के लिए मशीन क्या हो जाएगा अन अवेलेबल हो जाएगा मशीन में क्या जाएगा डाउन टाइम आ जाएगा सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप टाइम एंड डाउन टाइम अप टाइम मतलब क्या जब मशीन अवेलेबल है आपको डाउन टाइम मतलब क्या जब मशीन आपको अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए ठीक है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हुआ सिस्टम ऑफ स्केड्यूल्ड प्लांट और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ट्राइज टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर आप आपकेड्यूल्ड वे में अपने मशीन का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मरम्मत करवाते रहोगे तो आपका नंबर ऑफ ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का खर्चा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ये करता क्या है ये सारे वीक पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और जो अचानक से अनएंटिसिपेटेड ब्रेकडाउन होते हैं ना जिसको आपने प्रेडिक्ट नहीं किया तो उसको रोकता है लोकेट्स वीक पार्ट इन ऑल द इक्मेंट रिड्यूसिंग मेंस डिपार्टमेंट का बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग से रहता है जो ये सब काम करता है कॉस्टली अफेयर तो है ही अब साल का आप चार बार सर्विसिंग करवाओगे अपने मशीन का तो पैसा तो जाएगा ही है ना तो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कितना खर्चा लग रहा और इससे कितना कितना, दूसरे में चेक करो, जब तब खर्चा कितना हुआ? और ब्रेकडाउन कितना बच गया दोनों को कंपेयर करो जिसमें आपको फायदा लग रहा है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो हम लोग जो सम्स भी करेंगे ना आने वाले क्लास में और आज वाले क्लास में हम लोग वह कंपेरिजन करेंगे अगर कंपनी ब्रेकडाउन की तरफ जाता ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की तरफ कि ब्रेकडाउन होने दो हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे देखते हैं कितना खर्च आएगा और अगर कंपनी एएमसी लेके रखेगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाएगा तो उसका ब्रेकडाउन का कितना खर्चा बचेगा और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कितना खर्चा लगेगा तो जिसमें खर्चा कम आ रहा है वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर नहीं समझे सो नाउ आर यू कंफर्टेबल विद द वर्ड्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किसको बोलते हैं बच्चों का दिमाग हिल जाता है

अरे एक स्माइल तो दे दो इतना आप लोग क्या मतलब एकदम ऐसे चेहरा को मुंह लटका के बैठे हुए हो सीरियस नहीं रहना ओएम ओएम के क्लासेस एकदम फन वे में पढ़ना है 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 ना क्लियर यहां तक ये पूरा थ्योरी पार्ट बाद में करवाएंगे नहीं भी करोगे तो चलेगा बट मैंने दे दिया अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सो आई डोंट वांट की यू शुड स्किप एनी ऑफ द पार्ट बाद में करेंगे एडवांटेजेस में आओ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब वही एमसी वाला बात साल में चार बार आप रिपेयर करवा रहे हो चेकिंग करवा रहे हो तो इससे क्या फायदा होगा नंबर ऑफ ब्रेकडाउन होंगे डाउन टाइम कम होगा वर्कर्स का सेफ्टी होगा मैंने बोला था ना अचानक से मशीन ब्लास्ट हो गया पता ही नहीं था कि अंदर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था शॉर्ट सर्किट हो रखा था तो कितनी बार वर्कर्स क्या हो जाते हैं स्पॉट डेथ हो जाता है उनका कभी हाथ कट गया नहीं सुनते हो, मशीन में काम करते करते हाथ कट कर गया कभी कुछ हो गया किसी का डेथ हो गया कुछ गिर गया उनके सर पे कोई मशीन का पार्ट गिर गया तो वर्कर्स का भी तो सेफ्टी रहेगा ना आप रेगुलरली मशीन को इंस्पेक्शन करवाओगे तो लार्ज स्केल ऑपरेशन हो सकेगा रिपेयर आपका कम लगेगा जब बार बार आप हर दो दो तीन तीन महीने में रिपेयरिंग करवा रहे हो तो ऑब्वियस बात आता है लार्ज स्केल रिपेयर आपका कम लगेगा है ना और फिर स्पेयर पार्ट्स भी आपको कम मेंटेन करना पड़ेगा तो रिजर्व जो मैंने बोला था ना स्टैंड बाई इक्विपमेंट स्टैंड बाई मतलब क्या कोई मेजर इक्विपमेंट का फेलियर हो गया तो इसलिए हम लोग कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ना एक सरप्लस मशीन मशीन एक्स्ट्रा रक रख के रखती है कि अगर ये मशीन खराब हो गया तो रिजर्व में ये मशीन है। मशीन है बट अगर आप उस का टाइम टाइम टू मरम्मत करवा रहे हो चेकिंग करवा रहे हो तो रिजर्व रखने का भी दरकार नहीं है और प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा होगा इक्विपमेंट का लाइफ बढ़ेगा मशीन का लाइफ स्पेन बढ़ेगा बार बार रिपेयर करवाओगे उसका लाइफ स्पेन भरेगा कि नहीं बढ़ेगा है ना जैसे हम लोग क्या करते हैं बार बार रेगुलर चेकअप नहीं करवाते अपना जाके डॉक्टर से आजकल नहीं बोलता हर साल आप अपना चेकअप करवाना चाहिए ह्यूमन बॉडी का हर साल चेकअप करवाना चाहिए और स्पेशली पर्टिकुलर एज चालीस पचास साल बाद तो आपको रेगुलर साल में एक बार बॉडी चेकअप करवाना ही चाहिए ताकि पता चल जाए आपके बॉडी के कोई पार्ट्स के पंजर ढीले हैं क्या ढीले हैं तो उसका मरम्मत करवा लेंगे लेकिन जब कुछ ब्रेकडाउन हो जाएगा बॉडी पार्ट में तब मरम्मत नहीं होता रिप्लेसमेंट होता है तो वही चीज मशीन के लिए भी तो है ना तो अगर हम लोग रेगुलर डॉक्टर चेकअप कराते रहेंगे और सारे हेल्थ एडवाइसेस फॉलो करते रहेंगे तो हमारा क्या लाइफ स्पेन क्या रहेगा अच्छा खासा लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो यू मस्ट आजकल आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को आता है विच इज वेरी बेड टू हियर है ना क्लियर है तो वही चीज बोल इक्विपमेंट का लाइफ बढ़ेगा तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा घटिया कर लिया है सो दैट इज द रीजन सो मच जंक फूड हम लोग तेल से भरा हुआ खाना खाते हैं हम लोग का लाइफ कितना खराब हो गया है सुबह उठते हैं ग्यारह बारह रात में सोते हैं एक दो बजे तीन चार बजे खाना लेट में रात से खाते हैं भर भर के रात में खाना खाते हैं तो लाइफस्टाइल को सुधारो भाई तब आपका लाइफ बढ़ेगा तो वैसे इक्विपमेंट का आप लाइफस्टाइल सुधारोगे तो इक्विपमेंट का भी लाइफ बढ़ेगा ठीक है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन बेटर कैसे होगा अगर आप लेबर को बार बार अच्छा सपोर्ट करोगे लेबर का एक्सीडेंट कम हो रहा है ट्रेड यूनियन के संग रिलेशन अच्छा होगा कॉस्ट भी आपका कम लगेगा तो ये सब फायदा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाने का ठीक है अब एक बच्चा बोल रहा है मैम हम पांच बजे उठते हैं सुबह वेरी गुड सुपर ऐसा बहुत रेयर केसेस होता है कि कोई बच्चा चार बजे या सुबह पांच बजे उठ रहा है इनफैक्ट मैं खुद इतना बजे नहीं उठ सकती अनलेस घर में कोई फंक्शन एंड ऑल हो या कुछ अर्जेंसी हो अदरवाइज

अब देखो ना आप लोग का आठ बजे लेक्चर खत्म होता है आठ से चालू होता है मीन I mean. तो अब दस बजे तक आप समझ लो देन डिनर यू नो आई टेक माई डिनर एट टेन थर्टी पीएम और इलेवन पीएम अराउंड फिर उसके बाद यार एक घंटा तो सेल्फ टाइम मी टाइम चाहिए ही रहेगा ना तो कैसे बताओ नौ दस बजे सो जाओ इट इज इम्पॉसिबल बोलते हैं ना लोग चार बजे उठा करो दस बजे सो जाओ तो कैसे हाउ टू मैनेज द टाइम स्लॉट और आप लोग का तो स्टूडेंट लाइफ आप लोग का तो हालत और बदतर है एग्जाम्स आर अप्रोचिंग और हालत बदतर ना सोने का ठिकाना ना उठने का ठिकाना जब उठो पढ़ाई चालू कर दिया रात में कोई बच्चा चार बजे तक पढ़ रहा है सुबह उठा छह बजे कोई बच्चा सुबह छह बजे सो रहा है तो स्टूडेंट लाइफ ऐसा ही होता है हमारे टाइम भी हमने ऐसे ही व्यतीत किया अपना स्टूडेंट लाइफ आप बिलीव नहीं करोगे मैं मेरा जब एग्जाम्स होता था ना जैसे माई फादर इज इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली एट फोर ए एम इन द मॉर्निंग ये उनका गोल्डन रूल है वो जल्दी सो जाते हैं लेकिन चार बजे रिकॉर्ड है उनका सुबह उठ जाते हैं तो जब मैं सोने जाती थी मेरा रात में पढ़ने का हैबिट था मैं चार बजे सोने जाती थी तब माई आई यू टू सी माई फादर इज गेटिंग अप एंड एट दैट टाइम अ स्लीप टाइम तो कितना मतलब और सिचुएशन हो जाता है मैं चार बजे सो रही हूँ और मेरे पापा चार बजे उठ रहे हैं मॉर्निंग में सो आई यू टू विश हिम गुड मॉर्निंग टू विश मी गुड नाइट चलो तो कुछ कर नहीं सकते कुछ पाने के लिए खोना ही है तो अभी तीन साल अपना नींद चैन भूख प्यास सब मिटा दो ठीक है सीएम बनकर दिखाना है विथ रैंक क्लियर क्योंकि ये हमारा ट्रू लव है ओके सो इज दिस क्लियर तो ये हमने डिस्कस कर लिया ये इसके एडवांटेजेस है अब रूटीन मेंटेनेंस मैंने आपको बोला था लुब्रिकेशन तेल वेल डाल दिया थोड़ा सा धूल मट्टी लग गया उसको क्लीनिंग कर लिया पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कर लिया ठीक है तो ये कब हो रहा है जब इक्विपमेंट uh, आपका रन कर रहा है ऑलरेडी इट इज इन अ रनिंग कंडीशन या फिर कोई टाइम जब हॉलीडे है जैसे हॉलीडे में हमने प्लान कर लिया कि आज लुब्रिकेशन करेंगे पेंटिंग करेंगे मशीन को तो प्री प्लांट शटडाउन अचानक से शटडाउन है प्री प्लांट शटडाउन ठीक है तो इट कैन बी कैरीड आउट इवन द फैसिलिटीज इन सर्विस जब काम हो रहा है तभी भी हम लोग इसको कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज कॉल्ड रूटीन मेंटेनेंस तो अब एक पिक्चर दिया हुआ है अगर आपका खुद का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो वहां कौन कौन रहते है क्या क्या डिजिग्नेशन रहता है चीफ प्लांट का इंजीनियर रहेगा उसके अंदर वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टोर एंड स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट तो अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है खड़ी बार रीड कर लेना इसका कोई लेना देना नहीं है सम्स के संग या कुछ भी नहीं एक बार बस रीड कर लेना कि मान लो अगर बोल दिया कभी आएगा नहीं बट मान लो बोल दिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताओ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का तो यू शुड नो द नेम्स एट लीस्ट ठीक है अब बोल रहे क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए टू तो एंश्योर कि प्रॉपरली आपका मेंटेनेंस वर्क हो रहा है तो व्हाट आर द स्टेप अगर आपका एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है मान लो कि मैं ये मशीन चला रही हूं मैं ये लेबर हूं मुझे लग रहा है मशीन जवाब देने वाले है तो मुझे अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जो उस प्लांट का इंजीनियर है या उस प्लांट का सुपरवाइजर है उसको एक रिक्वेस्ट लिखकर भेजना पड़ेगा कि मुझे इस प्लांट का सर्विसिंग करवाना है जब मेरा प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर वो सुपरवाइजर क्या करेगा अप्रूवल देगा कि हाँ ठीक है आपके मशीन को अब क्या करवाया जाएगा मेंटेन करवाया जाएगा ठीक है फिर उसके बाद मेंटेनेंस स्टोर को क्या इंश्योर करना चाहिए कि सारे जो वाइटल स्पेयर पार्ट्स है उसका वो स्टॉक रख के रखे ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए ब्रेकडाउन एंड ऑल आए और वो स्पेयर पार्ट कहीं बाहर अवेलेबल नहीं है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही स्टोर और डिपार्टमेंट टीम उसको मेंटेन करके रखा है ड्यूटी ऑफ मेंटेनेंस स्टोर ठीक है और रिकॉर्ड रख के रखो आपने जो भी काम किया ना मेंटेनेंस का कितना खर्चा लगा है, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ मेंटेनेंस में सब रिकॉर्ड रख के रखो ताकि पता लगे ना कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सबका खर्चा कितना है और उससे जो बेनिफिट्स आ रहे हैं आर दे मैचिंग विद देम और नॉट ठीक है तो वही चीज बोल रहा है अब बोल रहा है कि अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो कैसा मेंटेनेंस करना चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट सुपरविजन करना चाहिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ये तो पता ही है अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ठीक से आप देखभाल नहीं करोगे रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाओगे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाओगे तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एकदम बेकार काम करेगा है ना और जब भी आपको रिपेयर करवाना है मशीन में जो प्रॉब्लम हो रहा है अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के क्रू को क्रू मतलब समझते हो ना जैसे केबिन क्र्यू होता है एरोप्लेन में वैसे मेंटेनेंस क्रू हो रहा है

स्टॉक मेंटेन करके रखो ये सब तो बता ही दिया ऑलरेडी ठीक है तो प्रॉब्लम क्या होता है हमें ये नहीं समझ में आता कितना फ्रीक्वेंटली हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाना चाहिए समझ है तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना है मैंने आपको पहले भी बोला जब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा रहे हो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रेकडाउन को टोटली अवॉइड कर सकते हो कोई गारंटी नहीं है तो भी ब्रेकडाउन हो सकता है तो आपको बैलेंस करना है दोनों के बीच में समझ है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को कम करना है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर दिया जिससे खर्चा ही इतना ज्यादा हो गया मशीन का यूजफुल लाइफ आठ ईयर्स तक था तो अब आठ साल बाद तो ब्रेकडाउन होना ही है ना अब उसके बाद भी आप जबरदस्ती प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो फायदा नहीं है ना तब तो रिप्लेसमेंट कर लेना चाहिए तो ये सब चीजों को प्रॉपरली प्लान करके रखो कब कब मेंटेन कर कब का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाना है कब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाना है कब रिप्लेसमेंट करवाना है स्टोर एंड स्पेयर पार्ट कितना रख के रखना है सब में बैलेंस मेंटेन करके रखो तो वही चीज लिखा है क्योंकि हमारे टोटल कॉस्ट को टोटल डाउन टाइम को मिनिमाइज करना है है ना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टोटल कॉस्ट हमारा 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 कम कम लगे और डाउन टाइम मतलब प्रोडक्टिव जो लॉस लॉस हो हमारा हो रहा है उसका सके रिप्लेसमेंट मैंने बोला था दो वजह से हो सकता है या तो मशीन का पूरा यूजफुल लाइफ का मजा उठा चुके हो या फिर दूसरा रीजन मशीन ऑप्सोलेट हो गया बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी तो अब मशीन को रिप्लेस करना है तो किसकी वजह से या तो वियर एंड टीयर हो गया है या ऑप्सोलेसेंस है ना इट इज देर फोर ने टू डिशन अब आपको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना चाहिए नया मशीन इंस्टॉल करना चाहिए क्लियर है तो बताओ हो गया थ्योरी लोग चिल्लाते हैं इसका थ्योरी है थ्योरी है मेंटेनेंस चैप्टर में थ्योरी है थ्योरी बहुत हार्ड है आपको हार्ड लगा क्या थ्योरी क्वेश्चन आता है, है इससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा आप टिक करोगे Word, word, क्लियर पिक्चर दिमाग में पूरा -पड़ प्रैक्टिकली मैंने ट्राई किया आपको. कर कर के आप समझो कि एक पूरा फैक्ट्री में खड़े हो मशीन में काम कर रहे हो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है आप लेबर और मशीन का सर्विसिंग करवा रहे हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना हुआ उसको लेकिन मशीन का आपने सर्विसिंग बहुत सालों से नहीं करवाया मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो उसको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करना हुआ ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब भी कर रहे हो तो मशीन में डाउन टाइम आ जाता है प्रोडक्टिव आवर्स इज 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 लॉस्ट कॉस्ट इनकर्ड इन रिपेयरिंग सो आवर ऑब्जेक्टिव ऑलवेज टू मिनिमाइज द डाउन टाइम विच मीन्स द प्रोडक्टिव आवर जो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टॉप इन द यूजेज ऑफ मशीन है ना एंड ऑल्सो टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम से कम खर्चा लगे अब वो आपके ऊपर है आपको ब्रेकडाउन करवाना है मेंटेनेंस की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसमें कम खर्चा है वो करो अभी हम लोग सम्स भी डिस्कस करेंगे जहां हम लोग दोनों जगह खर्चा निकालेंगे और कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कंपनी को कौन सा पॉलिसी फॉलो करना चाहिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ठीक है ना पिक्चर क्लियर है अब देखो एक दो फॉर्मूला बता रही हूँ जिन बच्चों ने मेरे से सिम्युलेशन किया ऑलरेडी उन्हें यह फॉर्मूला आता होगा अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का टेबल क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप मैम बहुत ईजी है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई समेशन फ्रीक्वेंसी गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी डू यू नो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है चांस जैसे मैंने बोला कि ओ एम OM में ओ एम एस एम में एट्टी मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी नाइन्टी परसेंट है तो नाइन्टी परसेंट मतलब क्या हो गया चांस ऑफ गेटिंग एट्टी प्लस इन ओ एम और टेन परसेंट प्रोबेबिलिटी क्या हो गया चांस ऑफ गेटिंग लेस देन देसेंट और 110 क्या हो गया? 80 point, तो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको क्या लग रहा है मैंने आपको बोला एक्सपेक्टेड मार्क्स बताओ कितना आएगा आपका चलो लिखना नहीं है अभी हाँ कुछ भी तो so, एक like, सवाल पूछा मैंने मैंने आपसे एक सवाल पूछा मैंने बोला नाइन्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आपका ओएम सब्जेक्ट में एट्टी मार्क्स आएगा और टेन परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आपका ओ एम में सिक्सटी मार्क्स आएगा एग्जैक्टली सो कैन यू टेल मी द एक्सपेक्टेड मार्क्स अब मैं आपसे पूछूं कि एवरेज मार्क्स बताओ क्या लग रहा है बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना आएगा तो एवरेज मार्क्स कैसे निकलता है जब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हाउ डू गेट एवरेज मार्क्स प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड समेशन तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ये हो गया एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाई करो पीएक्स या बगल में पीएक्स का एक कॉलम बनाया मैंने 90 परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब 0.9 और 10 परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब 0.1 एंड ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ रिमेम्बरिटीज इक्वल टू वन 0.9 0.1 1 आया ना तो बताओ px कितना हुआ 0.9 80 0.9 80 कितना होता है 9 8 का कितना होता है बताओ 89 का कितना होता है फटाफट पड़ बताओ मैम 72 होता है तो 72 आया यहां प्लस समेशन px होता है ठीक है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है समेशन px तो कितना हुआ 6 हुआ सेवेंटी टू प्लस सिक्स कितना हुआ अरे सेवेंटी टू मल्टीप्लाइड नहीं करना है बाप रे गजब के बच्चे हो 601 बोल रहा है PX मतलब ऑलरेडी आपने निकाला अरे एक्स और एफ नहीं करते थे कभी मीन नहीं निकाला एफ एक्स करते थे समेशन एफ एक्स करते थे तो यहाँ पे हम लोग समेशन पीएक्स करते हैं प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्स और उसका समेशन सेवेंटी टू प्लस सिक्स कितना सेवेंटी एट हुआ, हुआ मैम तो एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना हो गया में तो आपने बोला हमारा एवरेज मार्क्स सेवेंटी एट आ जाएगा ओएम ये एवरेज बच्चों के लिए बोला बट अगर आप मेरा लेक्चर सिंसियरली करोगे ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला ये नहीं होगा मेरे क्लास में मेरे क्लास में ये होगा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा एट्टी प्लस समझ रहे हो मेरी बातों को मैंने क्या बोला ठीक है तो एक्सपेक्टेड मार्क्स इज क्लियर विथ यू गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा तो हमारे समय में ऐसे ही हमें निकालना होगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हैं फिर बोल देगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन कितना है अब जैसे मैंने बोला आपको सपोज करो एक एग्जाम्पल और दे रही हूं तो पहले ये बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना आ गया ना डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलता है एक्स के वैल्यूज दिए रहेंगे बगल में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहेगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स करोगे समेशन करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया उसको हम लोग मीन मार्क्स भी बोलते हैं मीन वैल्यू भी बोलते हैं एवरेज बोलो जो बोलना है बोल लो ठीक है अब सपोज करो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया अलग अलग मंथ में मैंने तीन महीना का आपको हिसाब दे दिया एक महीना दो महीना तीसरा महीना मेरा जो मशीन है वो तीन महीना तक मतलब मेरा जो अकाउंट ऑब्जर्वेशन करके बताया आपको फर्स्ट मंथ में मशीन का ब्रेकडाउन हुआ दो बार सेकेंड मंथ में मशीन का ब्रेकडाउन हुआ पांच बार थर्ड मंथ में मशीन का ब्रेकडाउन हुआ वन टाइम ठीक है तो ये नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दिए हुए तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना ये क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो frequency, ये X का वैल्यू हो गया ये एफ का वैल्यू हो गया कोई मुझे यहां से प्रोबेबिलिटी देगा निकाल के मैम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वेरी इजी वेरी इजी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समेशन एफ समेशन एफ कितना है एट है समेशन एफ कितना है एट है

पॉइंट वन टू फाइव हुआ चेक sure? कर लो summation probability 1 आ रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा सही किया कि नहीं summation probability 1 आ रहा है आ रहा है, हाँ तो यानी आपका सम सही है तो अब बताओ आप मुझे यहां से अब आप पीएक्स नहीं निकाल लोगे और समेशन पीएक्स नहीं निकाल लोगे एक्सपेक्टेड नहीं निकाल लोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा ना ठीक है तो ये सब टाइप के सम्स दिए है हुए हैं एग्जाम में तो ये सब फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं मुझे ये बताओ पहले अब देखोगे फॉर्मूला बताओ ये दोनों फार्मूला क्लियर है कि नहीं दोनों फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं मी लिखो अब प्रैक्टिकल सीखना चालू करो तीन पेज छोड़ देना थ्योरी के लिए अब प्रैक्टिकल्स हेडिंग दो गिव द हेडिंग प्रैक्टिकल्स दोनों फॉर्मूला कॉपी करो प्लीज कॉपी बोथ द फॉर्मूलाज दोनों फॉर्मूला कॉपी करो प्रैक्टिकल से लिखना चालू करो दोनों फॉर्मूला कॉपी करो तीन पेज थ्योरी के लिए छोड़ देना तीन पेज थ्योरी के लिए छोड़ देना लिख लिया तो अब जैसे मान लो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हम लोग summation PX करके, फिर expected breakdown दे दिया और दे दिया कि एक breakdown में कराने का खर्चा इतना है तो टोटल खर्चा कितना होगा तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन जितना है मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर ब्रेकडाउन तो निकल जाएगा ना ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना है एक्स कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हो सकता है ये एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर हो सकता है लिख लो अभी सम्स करेंगे तो और क्लैरिटी होगा प्लीज राइट डाउन और यहां पे आप एक बगल में वो एग्जांपल लिख सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो मैंने बताया ओएम में मार्क्स 90 परसेंट प्रोबेबिलिटी है कितना लाओगे एट्टी की नाइन्टी एट्टी की नाइन्टी कितना लिखू एक्स के बल में लिखो मार्क्स और यहां लिखो पी नाइन्टी फाइव साक्षी से नाइन्टी फाइव ओके चेंज कर दू सॉल्यूशन नाइन्टी लिख देती हूँ चलो ठीक है और टेन परसेंट है कि आप लाओगे एट्टी लिख देती हूँ निकालो एक्सपेक्टेड मार्क्स निकालो फाइंड एक्सपेक्टेड मार्क्स फाइंड एक्सपेक्टेड मार्क्स सॉल्व इट एक्सपेक्टेड मार्क्स निकाल के दो मुझे तो बगल में एक कॉलम बनाओगे ना पीएक्स का कितना होगा बताओ पॉइंट नाइन इंटू नाइनटी कितना हुआ पॉइंट नाइन इंटू नाइनटी पॉइंट नाइन इंटू नाइनटी एट्टी वन टेन परसेंट ऑफ एट्टी कितना हुआ टेन परसेंट ऑफ एट्टी टेन परसेंट ऑफ एट्टी कितना हुआ एट तो एक्सपेक्टेड मार्क्स यानी समेशन पी एक्स इज इक्वल टू एट्टी नाइन इतना तो लाना ही है मिनिमम क्वल टू एटी नाइन ठीक है तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू का समझ में आ गया क्या होता है राइट वेरी गुड नेक्स्ट ये सब लिख लिया फ्रीक्वेंसी एंड ऑल वाला पार्ट अब एक और फॉर्म्यूला है मशीन अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला टाइम डिवाइडेड बाय अप टाइम प्लस डाउन टाइम जैसे मैंने बोला कि मशीन जो है ना बीस घंटे बाद रिपेयर करवाना पड़ता है मशीन को मेंटेन करवाना पड़ता है तो बीस घंटे तक तो एकदम ठीक से चल रहा है स्मूदली और रिपेयर करवाने में पांच घंटा लगता है तो कोई मुझे बताएगा मशीन अवेलेबिलिटी कितना होगा मैंने बोला मशीन ट्वेंटी <coughs> आवर्स तक स्मूदली फंक्शन करता है फॉर ट्वेंटी आवर्स मशीन स्मूदली ऑपरेट्स Machine smoothly operates, after which it has to be repaired, which takes five hours. Tell the percentage of machine availability. बताओ कितना इजी है अप टाइम मतलब जब मशीन फंक्शन कर रहा है बीस घंटे पूरा अप टाइम है और नीचे अप टाइम प्लस डाउन टाइम बीस घंटा अप टाइम डाउन टाइम मतलब जब वो काम नहीं कर रहा है पांच घंटा तो दोनों मिला के पच्चीस घंटा मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो कितने समय के लिए मशीन अवेलेबल है ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड कितना परसेंट आया कितना परसेंट आया परसेंटेज बताओ एट्टी परसेंट तो मशीन अवेलेबिलिटी कितना होगी एट्टी परसेंट इजी था कुछ, थाईस में? कुछ थाईस में इजी और डिफिकल्ट इजी और डिफिकल्ट मैम वेरी इजी इजी और डिफिकल्ट मैम वेरी इजी क्लियर है तो ये सब इलस्ट्रेशन अगर आप मैंने हर बार बोला जितना भी मैंने सम्स करवाया हर एक के पहले मैंने फॉर्मुला लिखवाया है और एक कॉन्सेप्चुअल सम्स करवाया है तो एग्जाम के पहले अगर आपको सम्स नहीं भी रिवाइज करने का टाइम मिले आप ये सब मेरे कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलास को रिवाइज कर लोगे आपका आराम से ओ एम नैया पार लगाएगा छलांग लगा के ठीक है मी एनी ग्लिचेस इन द कॉन्सेप्ट्स टिल नाउ एनी डिफिकल्टी इन द कॉन्सेप्ट्स इन द टॉपिक दैट डिस्कस सो फार ऑल इज परफेक्टली फाइन एंड स्मूथ चलो Now I have given you a practical sheet. Please open that practical sheet. Let us discuss the sums one by one. लिखो अपने कॉपी में आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन ये सारे प्रैक्टिकल शीट गूगल ड्राइव लिंक में भी अपडेट हो जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाते हैं अब वर्कशॉप ज ट्वेंटी नंबर ऑफ आइडेंटिकल मशीन ठीक है हमारे पास बीस मशीन है सेम टू सेम फेलियर पैटर्न ऑफ द मशीन इज गिवेन बिलो इलेब्स टाइम आफ्टर मेंटेनेंस इन मंथ वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ फोर मंथ फाइव मंथ सिक्स मंथ इसका मतलब समझाओ क्या दिया हुआ है और यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इलेब्स टाइम आफ्टर मेंटेनेंस मेंटेनेंस के बाद मशीन स्मूथली एक महीने तक चला उसके बाद फेलियर हो गया इसका कितना प्रोबेबिलिटी है ट्वेंटी परसेंट प्रोबेबिलिटी है सो ट्वेंटी परसेंट प्रोबेबिलिटी मशीन इज गोइंग टू फंक्शन स्मूथली फॉर वन मंथ उसके बाद मशीन का फेलियर होगा तो ट्वेंटी परसेंट चांस है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या ट्वेंटी परसेंट चांस की मशीन का ब्रेकडाउन एक महीने बाद होगा पंद्रह परसेंट चांस है कि मशीन का ब्रेकडाउन हर दो महीने बाद होगा फिर पंद्रह परसेंट चांस है कि मशीन का ब्रेकडाउन तीसरे महीने में जाकर होगा तीन महीने बाद पंद्रह परसेंट चांस है कि मशीन का ब्रेकडाउन चार महीने बाद पंद्रह परसेंट चांस है कि मशीन का ब्रेकडाउन पांच महीने बाद हो और बीस परसेंट प्रोबेबिलिटी है यानी चांस है कि मशीन का फेलियर छह महीने बाद हो छह महीने तक मशीन स्मूथली चलेगा उसके बाद ब्रेकडाउन होगा इसका प्रोबेबिलिटी कितना ट्वेंटी परसेंट डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन

मल्टीप्लाई करके पी एक्स नहीं निकाल लेते समेशन पी एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि एवरेज मंथ्स कितना मशीन चलेगा बताओ मुझे एवरेज मंथ्स कितने महीने बाद मशीन का ब्रेकडाउन होगा यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाल लोगे एक्सपेक्टेड ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा वो क्या आएगा मंथ्स में आएगा एक्सपेक्टेड मंथ आएगा एक्सपेक्टेड इलैप्स टाइम आफ्टर ब्रेकडाउन आफ्टर मेंटेनेंस तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा वो क्या चीज का आएगा नंबर ऑफ मंथ्स कितने महीने तक आपका मशीन सही से चलेगा उसके बाद ब्रेकडाउन होगा यहां अलग-अलग प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि एक महीने में मशीन का ब्रेकडाउन होगा इसका प्रोबेबिलिटी 20% है मशीन दो महीने तक ठीक से चलेगा इसका प्रोबेबिलिटी 15% है यानी ब्रेकडाउन दो महीने बाद होगा 3% सॉरी 3 महीने तक मशीन अच्छे से चलेगा इसका प्रोबेबिलिटी 15% है तो मल्टीप्लाई करके ये आपका एक्स हो गया ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो पीएक्स का कॉलम नहीं निकाल लोगे बगल में पीएक्स निकल जाएगा समेशन पीएक्स आ जाएगा तो समेशन पी एक्स से क्या निकलेगा क्या निकलेगा एक्सपेक्टेड टाइम निकलेगा ना आपका एवरेज टाइम एवरेज टाइम क्या आफ्टर मेंटेनेंस यानी कि इतना टाइम तक मशीन ऑन एन एवरेज चलेगा विच नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस यानी मशीन का ब्रेकडाउन इतने महीने बाद होगा ठीक है निकाल के दो कितना आ रहा है चलो निकालो यहां पे लिखो x यहां पे लिखो प्रोबेबिलिटी यहां निकालो पीएक्स गिव मी द वैल्यू ऑफ समेशन पीएक्स बताओ कितना आ रहा है प्लीज एनी वन टेली मी द फिगर्स कीप ऑन टेलिंग मी द फिगर्स यार जीरो पॉइंट टू जीरो कितना आया पॉइंट थ्री जीरो बताते जाओ समेशन करके बता दो टोटल कितना आ रहा है बताते जाओ फटाफट फटाफट बताते जाओ वेरी क्विकली कीप की थ्री पॉइंट फाइव मंथ्स तो हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया कि ब्रेकडाउन तीन साढ़े तीन महीने में होगा थ्री पॉइंट फाइव मंथस में मशीन का जो ब्रेकडाउन है थ्री पॉइंट फाइव मंथ बाद होगा यानी मशीन ठीक से चलेगा 3.5 यानी अगर आज जीरो मशीन का मेंटेनेंस करवाया तो अब नेक्स्ट मशीन का मेंटेनेंस कब करवाना होगा 3.5 पॉइंट फाइव बाद फिर नेक्स्ट कब करवाना होगा 3.5 पॉइंट मंथ्स बाद है ना तो ऐसे एक साल में इन एन ईयर ट्वेल्व मंथ्स में इन एन ईयर ये ट्वेल्व मंथ्स में आपको कितनी बार रिप्लेसमेंट यानी रिपेयरिंग यानी मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा ऐसे करके एक साल में कितना बार टोटल नंबर ऑफ मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा बताओ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कितना होगा बताओ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इन वन ईयर कितना होगा साढ़े तीन महीने में आप एक बार करवा रहे हो तो बारह महीने में कितने बार करवाओगे मैम बहुत सिंपल है

अगर मैं ऑन एन अप्रोक्सीमेशन फिगर लू तो चार बार और फ्रैक्शन में लू तो ट्वेल्व एक बार मेंटेनेंस करवाने का खर्चा सौ रुपया है चार बार कितना लगेगा चार बार करवा रहे हो यदि तो कितना लगेगा चार इंटू सौ चार सौ और मैंने बोला टोटल मेरे पास बीस मशीन है तो एक, -एक मशीन का खर्चा आया है तो बीस मशीन का कितना लगेगा इंटू ट्वेंटी और कर दो तो नहीं निकल जाएगा टोटल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन वन ईयर हाँ हाँ कि ना हाँ कि ना आंसर इज डन छ में से छह मिलेगा कितना इजी सवाल था तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हमने निकाल लिया ये क्या है थ्री पॉइंट फाइव मंथो थ्री पॉइंट फाइव मंथ क्या एक्सपेक्टेड क्या एक्सपेक्टेड इलेक्स टाइम आफ्टर मेंटेनेंस यानी साढ़े तीन महीने में मेंटेनेंस करवाने का दरकार नहीं है उसके बाद दरकार है दो मेंटेनेंस के बीच में लैप्स टाइम कितना है साढ़े तीन महीना तो लिखो एक्सपेक्टेड इलेप्स टाइम आफ्टर मेंटेनेंस इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव मंथ आये एक्सपेक्टेड टाइम आए एक्सपेक्टेड टाइम एक्सपेक्टेड इलेब्स टाइम आफ्टर मेंटेनेंस इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इन वन ईयर इज इक्वल टू ट्वेल्व मंथ बाई थ्री पॉइंट फाइव मंथ विच इज इक्वल टू फोर भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली या फिर आप ऐसे ही लिख लो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स यस अब बताओ कॉस्ट इनकर्ड पर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कितना है सम में दिया हुआ चेक करो डेढ़ सौ रुपया दिया हुआ शायद कितना है देखो डेढ़ सौ रुपया एक मशीन को अटेंड करने के लिए और रेक्टिफाई करने के लिए कितना लग रहा है डेढ़ सौ रुपया एक बार देर फोर कॉस्ट इनकर्ड फॉर कितने ब्रेकडाउन आए ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट फाइव नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितना होगा वन फिफ्टी इंटू ट्वेल्व बाई थ्री पॉइंट फाइव यस एक बारी का कॉस्ट है डेढ़ सौ रुपया चार बार ब्रेकडाउन तो मल्टीप्लाइड बाई लो, अगर आपने चार राउंड ऑफ नहीं किया तो बारह बाई तीन पॉइंट पांच कर लो है ना ये वन मशीन के लिए दिस इज फॉर वन मशीन ये पर मशीन लिख लो यहां पर मशीन देरफोर टोटल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ट्वेंटी मशीन्स पर एनम ईयरली कॉस्ट निकाला ना आपने मल्टीप्लाई करके वन फिफ्टी इंटू ट्वेल्व बाई थ्री पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी कितना रुपया आ रहा है बताओ तो निकल गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट राउंडिंग ऑफ टू दस हजार दो सौ एट्टी सिक्स रुपया क्लियर और नॉट तो यहां पे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालना पड़ा क्योंकि टाइम दिया हुआ था एक्स में और ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर में सम्स में पहले ही लिखवा दिया था फॉर्मूला में एक्स या तो टाइम हो सकता है देखो जाकर पीछे नोट्स में चेक करो मैंने एक्स का वैल्यू क्या लिखवाया था या तो एक्स डायरेक्टली नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दिया रहेगा या एक्स का वैल्यू दिया रहेगा इलेप्स टाइम और यहां पे एक्स का वैल्यू क्या दिया इलेब्स टाइम चेक करो है ना लिखा हुआ ऊपर मैंने लिखवाया था ना एक्स का वैल्यू अब सम नंबर टू में एक्स नंबर ऑफ ब्रेकडाउन रहेगा तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले लिखवा दिया एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है सम नंबर एक्स में भी वही सेम चीज करना है हमें क्या करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है हमें कॉस्ट कैसे निकालना होगा कॉस्ट फॉर ब्रेकडाउन दिया तो हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन चाहिए तो अगर यह सम में टाइम नहीं दिया नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डायरेक्टली दिया हुआ है तो और हमारे लिए सम आसान हो जाएगा तो वहां पे वो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मंथ्स करने का दरकार नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डायरेक्टली दिया हुआ है चेक करो सम नंबर टू गिव इट अ ट्राई ऑन योर ओन अप्लाई योर ब्रेन गॉड हैज गिवन योर ब्यूटीफुल ब्रेन प्लीज एक्सप्लॉइट इट एक्सप्लॉइट योर ब्रेन टीज योर ब्रेन डू द ब्रेन स्टोरमेंट and i am going to sit and relax a public transport system is experiencing the following number of breakdowns for months over the past 2 years in their new fleet of vehicles दो साल तक का हिस्ट्री दिया है दो साल तक का क्या दिया देखो दो साल कैसे पता चला दो साल का दिया हुआ ऑब्जर्वेशन देख लो ना दो महीना आठ महीना दस महीना तीन महीना एक महीना मिला के पक्का चौबीस महीना होगा अरे एक साल में बारह महीना होता है दो साल में चौबीस महीना होगा ट्वेंटी फोर मंथ को ऑब्जर्वेशन दिया है, तो ऐसा साल में दो महीने में ऐसा हुआ है कि ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हुआ जीरो आठ महीने में आठ महीने में ऐसा हुआ है कि एक बार ब्रेकडाउन हुआ है दस बार ऐसा हुआ है दस महीने में ऐसा हुआ है कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दो बार हुए हैं ठीक है तीन ब्रेकडाउन हुआ ऐसा कितनी बार हुआ है तीन बार तीन महीने हुआ है यानी तीन बार हुआ है साल में तीन बार ऐसा हुआ है कि ब्रेकडाउन भी तीन है साल में ब्रेकडाउन चार बार हुआ है बाप रे चार बार लेकिन ऐसा एक ही बार हुआ है देखो ना एक ही मंथ में हुआ है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपका किसका दिखाई दे रहा है ये क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी तो है

मशीन तीन बार खराब हुआ ऐसे कितनी बार हुआ है? तीन बार हुआ है। नहीं समझे टोटल मैंने एक लिस्ट बनाया हर महीना मैंने चेक किया कितनी कितनी बार मशीन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो मैंने स्टार्ट किया पूरा जनवरी से लेकर जनवरी 2022 से लेकर मान लो मैंने चालू किया जनवरी फरवरी 2022 मार्च 2022 अप्रैल 2022 मई जून 2022 ऐसे करते 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 कहा तक मैं चली गई बताओ दिसंबर 2023 तक नहीं समझे टोटल 24 मंथ्स कवर करना है ना और मैंने ऑब्जर्व किया जनवरी में ब्रेकडाउन मतलब मशीन कितनी बार खराब हुआ है एक बार खराब हुआ है फेबर में मशीन कितनी बार खराब हुआ है एक बार मार्च में एक बार अप्रैल में एक बार मई में एक बार एक बार यहां पे भी एक बार यहां पे, पे भी एक बार तो देखो ना उसके बाद मैंने बोला एक बार जीरो बार खराब हुआ हुआ ही नहीं इस महीने में तो मैं अगर आपको पूछूंगी कि पूरे साल में ऐसे कितनी बार हुआ है कि मशीन सिर्फ एक ही बार खराब हुआ है कितने महीने में ऐसे हुआ है तो आप क्लियरली काउंट करो ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट मंथ्स में ऐसा हुआ है तो वही तो एट मंथ्स में मशीन एक बार खराब हुआ है ऐसे कितनी बार हुआ कि मशीन खराब ही नहीं हुआ ये वाले महीने में मशीन खराब ही नहीं हुआ था मशीन में ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ तो एक बार ही ऐसा हुआ है नहीं समझे अब अब इससे आसान नहीं हो सकता और इससे आसान और नहीं हो सकता अभी समझे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मतलब मशीन कितनी बार खराब हुआ है हर एक महीने में मशीन कितनी कितनी बार खराब हुआ है तो यहां पे मैंने लिखा मशीन खराब ही नहीं हुआ पूरे महीने ठीक से चला ऐसे कितनी महीने में हुआ दो महीने में दो बार हुआ ऐसा दो महीना तो दो बार हुआ है टोटल हमने चौबीस महीने का रिकॉर्ड देखा ना तो दो बार ऐसा हुआ था कि मशीन में ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं दो बार ऐसा हुआ तो वो कब हुआ एक बार दिसंबर, एक बार हुआ मान लो अगस्त में जाकर 2022 और एक अगस्त 2023 में हुआ था दो बार दो महीना ऐसा था कि मशीन जो है खराब ही नहीं हुआ पूरा महीना स्मूथली चला नवंबर 23 का महीना बहुत खराब था एक ही महीने में ना मशीन चार बार टूटा है तो ऐसा एक ही बार हुआ है ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन में ऐसा एक ही बार हुआ है तो क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है नंबर ऑफ ऑकरेंसीज है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इन शॉर्ट अभी क्लियर है और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन यानी क्या होगा एक्स का वैल्यू तो हमें तो क्या चाहिए एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कितना हो रहा है हमें क्या चाहिए कि मंथली एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कितना है है ना ऑन एन एवरेज एक महीने में कितना ब्रेकडाउन हो रहा है कोई बोल रहा है एक महीने में दो ब्रेकडाउन हो रहा है कोई बोल रहा है एक महीने में एक ब्रेकडाउन हो रहा है कोई बोल रहा है एक महीने में चार ब्रेकडाउन हो रहा है कोई बोल रहा है एक महीने में तीन ब्रेकडाउन हो रहा है

और ब्रेकडाउन कॉस्ट दिया हुआ अट्ठाईस सौ रुपया पर मंथ एक बार ब्रेकडाउन का खर्चा है अट्ठाईस तो जो एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आया उसको अट्ठाईस से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आ जाएगा ब्रेकडाउन कॉस्ट चलो करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार क्लास में आज डिस्कस करने के बाद खुद से सेम डे घर में आप इसको लेकर बैठोगे अपने हाथों से सम्स को लिखोगे तभी जाकर ये होगा नहीं तो नहीं होगा तो आपको डिफरेंस समझ रहा है इसके पहले वाले सम में और इस में पहले वाले सम में टाइम दिया हुआ था इसमें यहाँ पे एक्स में डायरेक्टली नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो पहले वाले सम में हमने ट्वेल्व को डिवाइड किया था टाइम से ताकि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल सके एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ही डायरेक्टली निकलेगा ये दोनों डिफरेंस है दोनों सब में ऊपर में एक्स क्या लिया वाता है और यहाँ एक्स क्या है डायरेक्टली नंबर ऑफ ब्रेक डाउन तो यहाँ ट्वेल्व से डिवाइड करने का झमेला नहीं है तो यहाँ झमेला क्या चीज का है प्रोबेबिलिटी निकालने का जो बहुत ही आसान है इससे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे एक्स का वैल्यू लिखो जीरो वन टू थ्री फोर फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया हुआ है टू दिया हुआ है ए टू है ऐसा दस बार हुआ है कि मशीन दो बार खराब हो गया एक ही महीने में ऐसा तीन बार हुआ है कि मशीन खराब हो गया तीन बार एक ही महीने में और ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि मशीन एक ही महीने में चार बार खराब हुआ है ये जो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दिए ना ये पर मंथ का हिसाब है तो और क्लैरिटी के लिए आप चाहो तो लो ये नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ का दिया हुआ है पर मंथ तो आपको क्लैरिटी मिलेगा एक महीने में जीरो ब्रेकडाउन हुआ है ऐसे दो बार हुआ है एक महीने में एक ही बार मशीन खराब हुआ ऐसे आठ बार हुआ है एक महीने में मशीन दो बार ही खराब हुआ है ऐसे दस बार हुआ है एक महीने में मशीन तीन बार ही खराब हुआ है ऐसे तीन बार हुआ है एक महीने में मशीन चार बार ही खराब हो गया अब बापरे बच गए एक ही बार ऐसा हुआ एक ही महीना था वो एक ही मनुष्य महीना था जब मशीन चार चार बार खराब हो गया एक महीने में तो एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हुए एक महीने में समेशन एफ बताओ मुझे कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर कितना डायरेक्टली बताओ कितना कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी बताते जाओ बच्चा लोग प्रोबेबिलिटी बताते जाओ जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री एट डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर जीरो पॉइंट थ्री 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 टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर जीरो पॉइंट फोर वन सिक्स सेवन ले ले लें इसको ठीक है या तीन डेसिमल में लोगे तो जीरो पॉइंट फोर वन सेवन ही ले लो डायरेक्टली जीरो पॉइंट फोर वन सेवन जीरो फोर टू कर दिया फोर वन सिक्स को ठीक है जीरो फोर टू चेक कर लो ये प्रोबेबिलिटी आया है समेशन प्रोबेबिलिटी आपका वन आना चाहिए वन नहीं आ रहा है कुछ गड़बड़ किया है सम ऑफ ऑलवेज अब नेक्स्ट कॉलम क्या निकालना है पी इंटू एक्स का तो अब पी एक्स निकालेंगे हम लोग ये रहा एक्स का कॉलम ये रहा पी का कॉलम मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो रहा है ये तो पी इन टू एक्स जीरो हो जाएगा नेक्स्ट आएगा पॉइंट थ्री 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 देन पॉइंट फोर वन सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू कितना आ रहा है पॉइंट एट थ्री फोर देन थ्री मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट वन टू फाइव कितना पॉइंट थ्री सेवन फाइव देन फोर मल्टीप्लाइड जीरो फोर टू कितना है एड करके बताओ पॉइंट थ्री थ्री प्लस पॉइंट एट थ्री फोर प्लस पॉइंट थ्री सेवन फाइव कितना ऐड करके बताना है इसको टोटल एक जन मुझे ऐड करके बताओ कितना आया 1.710 आ रहा है बच्चे लोग बोल रहे हैं तो ये आ गया तो ये क्या आया एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है जो x में ऊपर में लिखा है ना वही एकस्पे... उसी चीज का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं उसी चीज का एवरेज तो x यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन यानी ये आपका क्या है एक्सपेक्टेड

ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना है बताओ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ब्रेकडाउन कितना ऊपर देखकर बताओ पर ब्रेकडाउन का गिवन इन द सम कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ब्रेकडाउन कितना है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ब्रेकडाउन अट्ठाईस सौ रुपया है देर टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ कितना हो जाएगा महीने में एक महीने में कितने बार ब्रेकडाउन हुआ है 1.710 टाइम्स बाय कॉस्ट पर ब्रेकडाउन कितना रुपया है मल्टीप्लाई करके <laughs> यहां पे हमने एक चीज अलग किया यहाँ 12 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा एवरेज ब्रेकडाउन ही है बट इसके पहले वाले समय में हमने 12 से क्यों डिवाइड किया था क्योंकि वह नंबर ऑफ ब्रेकडाउन नहीं आया था टाइम गैप आया था कितने महीने बाद ब्रेकडाउन हो रहा मेंटेनेंस इतना है महीने का अब अगर मान लो एनुअली बोलेगा तो इन टू ट्वेल्व कर देना ये महीने का आया है ना पर सब में एनुअली नहीं पूछा है बल्कि सब में कंपेयर करने बोला है अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते समझ रहे हो ना रिपेयर एंड ऑल करते तो आपका खर्चा कितना लगता सब में क्या लिखा हुआ month, तो एक महीने का कम है लेकिन, इसके बाद भी डाउन होगा मैंने क्या बोला था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से यह गारंटी नहीं है कि डाउन नहीं होगा डाउन होगा लेकिन महीने में सिर्फ एक ही बार होगा ये गारंटी है अगर आप रिपेयर करवाओगे ना हर महीने के महीने तो जबकि आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पंद्रह सो तो लगेगा लेकिन फिर भी एक बार मशीन ब्रेकडाउन करेगा जबकि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करवाओगे तो मशीन कितनी बार ब्रेकडाउन करेगा ऑन एन एवरेज सेवन वन टाइम्स अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाओगे तो ब्रेकडाउन कितनी होगा महीने में एक बार आपको समझ में आ रहा है का मतलब जिसने थ्योरी स्टार्टिंग में सुना होगा उसको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था ये अभी जो निकाला ये हमने ब्रेकडाउन का खर्चा निकाला बट मैंने बोला था अगर आप एमसी लेते हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो रिपेयरिंग करवाते हो तो आपका ब्रेकडाउन मैंने ये नहीं बोला था इलिमिनेट हो जाता है कम हो जाता है तो अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो यहां बोल रहे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन खाली एक ही बार होगा महीने में जबकि आप जब नहीं करते हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो ब्रेकडाउन कितनी बार होता है 1.71 टाइम्स एवरेज तो चलो हम लोग हम निकाल लेते हैं कि अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तब हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा जिसमें खर्चा कम है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो चलो करो इफ वी आर फॉलोइंग इफ वी आर फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी देन टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी एस फॉलोज आप मेंटेनेंस कॉस्ट पूरा लिखना देन टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी एस फॉलोज ठीक है कितना होगा बताओ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लगेगा पर मंथ मन्त? मंथली निकाल रहे हैं ना पंद्रह सौ रुपया लेकिन इसमें ब्रेकडाउन भी तो एक बार होगा तो ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना लगेगा एक बार होगा और एक बार का ब्रेकडाउन का खर्चा कितना ऊपर में अभी लिखा था हमने जस्ट अट्ठाईस सौ रुपया तो ब्रेकडाउन एक ही बार ही होगा अट्ठाईस सौ रुपया तो अट्ठाईस सौ रुपया प्लस पंद्रह कितना हुआ

ब्रेकडाउन अगर होने दे रहे हैं कोई प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं कोई रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग करें जब ब्रेकडाउन हो चुका है तब रिपेयर तो ब्रेकडाउन कितनी बारी हुआ एवरेज में कितना लग रहा है एक बार अट्ठाइस का, तो का खर्चा कितना लगेगा महीने का पूरा मेरा निकल गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस खर्चा लेकिन अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तब टोटल खर्चा कितना आएगा? तो मैंने ये नहीं बोला लगेगा ना अठाईसो रुपया और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो आपने एएमसी करवा रखा है महीने का पंद्रह सो वो लगेगा तो पंद्रह सो अट्ठाईसो मिला के फोर्टी थ्री हंड्रेड लगा तो आप उससे बेटर यहाँ खर्चा कम लग रहा है यहाँ पे अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो इतना लग रहा है और यहाँ पे इतना लग रहा है तो कौन सा स्ट्रेटजी बेटर है जिसमें कॉस्ट कम है ऑब्जेक्टिव क्या था मिनिमाइज दी मेंटेनेंस कॉस्ट तो कॉस्ट किसमें कम लग रहा है इसमें मिनिमाइज दी डाउन टाइम टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लिखो कंक्लूजन वी विल बी फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी वी विल बी फॉलोइंग वी विल बी फॉलोइंग Preventive maintenance strategy. We will be following preventive maintenance strategy. We will be following preventive maintenance strategy because here the maintenance cost is low. Here the maintenance cost is low. ब्रैकेट में फोर्टी थ्री हंड्रेड हियर द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो ब्रैकेट में फोर्टी थ्री हंड्रेड दिस विलीड अ सेविंग्स ऑफ दिस विल लीड टू सेविंग्स ऑफ कितना का सेविंग्स होगा निकाल लो फोर सेवन डबल एट माइनस फोर थ्री डबल जीरो फोर सेवन डबल एट माइनस फोर थ्री डबल जीरो कैसा सब इजी है कि नहीं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फोर एटी एट रुपीज यस Correct, रुपीस. तो इसके पहले वाले समय दिया निकाला कि इतने में जो है, मशीन खराब होता है इतने टाइम के बाद सर्विसिंग का दरकार है तो बारह महीने में कितनी बार ब्रेकडाउन होगा अगर मैंने बोला कि मशीन साढ़े तीन महीने में एक बारी में चेंज करना होता है एक बारी में रिपेयर करना होता है तो बारह महीने में कितनी बार करोगे मशीन कितनी बार दम तोड़ेगा डिड बाय थ्री पॉइंट फाइव किया तो वहां एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन ऐसे निकाला था फिर मल्टीप्लाइड एक बार का बार्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ मशीन मशीन या नहीं दिया हुआ एक ही मशीन का दिया और एक मंथ का ही डेटा दिया हुआ है तो दोनों सम्स का डिफरेंस क्लियर है दोनों सम्स का डिफरेंस क्लियर ऊपर वाले सम में वहां प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा नहीं दिया हुआ था ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का सम था प्योर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का ये वाला सम दोनों का है प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन डिफरेंस क्लियर है अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो आप सम नंबर थ्री अपने आप करना चालू करो ऑलवेज चेक फॉर द वैल्यूज ऑफ ऑफ एक्स वेदर टाइम और नंबर डाउन ऑलरेडी आपको पहले ही लिखवा दिया इंट्रोडक्शन में एक्स का वैल्यू या तो नंबर ऑफ इलेब्स टाइम दिया रहेगा इन मंथ या नंबर ऑफ ब्रेकडाउन या अगेन गुड न्यूज इज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दिया हुआ है कंक्लूजन में मैंने बोला दिस विल लीड टू द सेविंग्स ऑफ रुपीज फोर एट्टी एट 4800, uh, कितना आया था हाँ सॉरी फोर ऑलराइट प्रिया चलो थ्री नंबर सॉल्व करो अगेन या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम फिर समय पीएक्स निकाल सकते हैं समेशन पीएक्स निकाल सकते हैं और यहां पे 300 डेज है वर्किंग डे इन एन ईयर इट्स नॉट डेज बी केयरफुल एक साल में ये लोग दिन काम करेगा द फॉर्म एस्टिमेट इच ब्रेकडाउन कॉस्ट इज रुपीज सिक्स फिफ्टी तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस खर्चा है छह सौ पचास एक बारी का और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खर्चा है दो सौ रुपया एक दिन का और अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करेंगे तो ब्रेकडाउन का नंबर क्या हो जाएगा एक ही बार ब्रेकडाउन होगा लिमिट द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन टू वन पर डे जैसे ऊपर में कितना था नंबर ऑफ ब्रेकडाउन वन हो जाएगा पर मंथ था ये पर डे दे का डाटा है एनुअल सेविंग्स हमने ऊपर में क्या निकाला था मंथली सेविंग निकाला था ना ये एनुअल सेविंग निकालने करो अपने आप बहुत इजी डू इट तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है ना सम्स का आपने एक चीज नोटिस किया ये अगेन क्या दिया हुआ है फोर्टी डेज में ऐसा हुआ कि ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं एक बार भी वन फिफ्टी डेज में ऐसा हुआ कि एक एक बार ब्रेकडाउन हुआ है यानी वन फिफ्टी टाइम ऐसा हुआ ये टोटल थ्री हंड्रेड डेज का ऑब्जर्वेशन है वाई नॉट थ्री सिक्सटी फाइव क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन ही तीन सौ दिन ऑपरेटिव है तीन सौ दिन खुला हुआ है है ना तो ये तीन सौ डेज का ऑब्जर्वेशन है यानी दस बार ऐसा हुआ है कि चार चार बार ब्रेकडाउन हो गया ओ माई गॉड 30 बार ऐसा हुआ है कि ब्रेकडाउन तीन बार हुआ है 70 टाइम्स ऐसा हुआ है कि ब्रेकडाउन दो बार हुआ है 150 टाइम्स ऐसा हुआ है कि ब्रेकडाउन एक बार और 40 डेज ऐसा भी हुआ है 40 बार ऐसा हुआ है। 40 दिन में तो ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ एक बार भी प्रोबेबिलिटी निकाला आप लोगों ने f/summation f करके बताते जाओ मुझे

फिर पी एक्स निकालना जीरो जीरो पॉइंट फाइव समेशन पीएक्स कितना आ रहा है एक जन बताओ कितना आ रहा है समेशन पी एक्स निकालो तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या चीज का है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ काउन इन जैसे प्रीवियस में एक मंथ में आया था एक दिन का आया है एक दिन का एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन बताओ, कितना, फड़ बताओ. कितना आ रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन फटाफट बताओ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर डे कितना आ रहा है तो यहां क्या लिखोगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर डे इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री नाइन एट देर फोर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट पर डे कितना है टोटल कितना आएगा एक दिन का पर मशीन का कितना है सिक्स फिफ्टी एक दिन में वन पॉइंट थ्री मशीन खराब हो जा रहा है और एक मशीन को ठीक करने का साढ़े छह सौ लग रहा है तो वन पॉइंट थ्री नाइन एट मशीन का कितना लगेगा आप उसको वन पॉइंट फोर भी कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन इतना रुपया आ रहा है है ना तो एक दिन में मैं इसको बोल लू क्या डेर मशीन खराब होगा डेर बोल लू डेर डेर मशीन खराब हो रहा एवरेज एक दिन में तो डेर मनी डेर मशीन को ठीक करने का खर्चा इतना लगेगा क्योंकि एक मशीन का खर्चा साढ़े छह सौ है डेढ़ नहीं बोल सकती 1.3 बोलूंगी हिंदी में उस 1.3 को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता जैसे हम लोग हिंदी में 1.5 को डेढ़ डेढ़ बोलते हैं ना 1.3 को हिंदी में क्या बोलेंगे 1.398 को हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे इन लोगों को डेटा तो कम से कम ढंग से देना चाहिए था कि दो मशीन आए तीन मशीन आए है, है ना क्लियर है अब वैसे ही आप निकालो टिव मेंटेनेंस कॉस्ट भी दिया हुआ देखो प्रिवेंटिव कॉस्ट दिया हुआ एक दिन का कितना है दो सौ रुपया अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जाओगे एएमसी लेके रखोगे रिपेयरिंग करवाओगे तो दो सौ रुपया लेकिन इससे ब्रेकडाउन एलिमिनेट नहीं होगा एक दिन में एक बार होगा अभी जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं लेते हो तो एक दिन में कितनी बार ब्रेकडाउन होता है डेढ़ बार या वन पॉइंट फोर टाइम्स या वन पॉइंट थ्री नाइन एट टाइम्स लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो ब्रेकडाउन खाली कितनी बार ही होगा एक बार है ना तो एक बार ही ब्रेकडाउन का खर्चा लगेगा और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा एक बार ही लगेगा जो कितना है दो सौ रुपया करके तो टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालो कितना लगेगा बताओ तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट पर डे कितना रुपया दो सौ रुपया ना और एक मशीन का ब्रेकडाउन होगा इन लोग बोल रहे तो ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना लगेगा एक मशीन क्योंकि बोल रहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो भी एक मशीन का तो ब्रेकडाउन का खर्चा लगेगा वो साढ़े छह सौ है तो कितना आया तो आपको क्लियरली समझ में आ करना चाहिए कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए कि maintenance? Maintenance कि अरे बताओ, खर्चा कम लग रहा है मैम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सारे आठ सौ लग रहा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो एक दिन में कितना रुपया सेविंग्स करोगे एक दिन में कितना रुपया सेविंग्स करोगे निकाल लो सेम एज अबव निकालो कंक्लूजन देखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी विल बी फॉलोड दिस विल लीड टू सेविंग्स ऑफ कितना मेरे दोस्तों 850 माइनस सॉरी नौ सौ आठ पॉइंट सत्तर माइनस आठ सौ पचास नौ सौ आठ पॉइंट सत्तर माइनस आठ सौ पचास है ना कितना आ रहा है माइनस करके कितना रुपया है माइनस करके पर <laughs> डे एक दिन का आया बट इन्होंने सेविंग्स पूछा एनुअल का इन्होंने बोला एक्सपेक्टेड एनुअल से मल्टीप्लाई तो करोगे ऑलरेडी बोला यहाँ पे कंपनी का ऑपरेशनल डे तीन सौ तो एनुअल सेविंग्स <coughs> कितना होगा अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपका इतना रुपया बचेगा मल्टीप्लाईड बाई तीन सो कितना होगा बताओ सत्रह हजार छह सौ दस रुपया आंसर सेवनटीन थाउजेंड सिक्सर टेल इट क्लियर अगर आप इसको राउंडिंग ऑफ करना चाहते हो फिफ्टी नाइन रुपीज करके कर लो फिफ्टी नाइन करके करोगे तो सत्रह हजार सात सौ आएगा साठ रुपया करके भी कर सकते हो साठ रुपया करके करोगे तो अठारह हजार आएगा राउंडिंग ऑफ उप के ऊपर राउंडिंग ऑफ करोगे तो अठारह हजार भी आंसर आ सकता है

एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था नंबर का वैल्यू दिया हुआ था नंबर ऑफ ब्रेकडाउन लेकिन सम नंबर नंबर में X का वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन नहीं था था मंथ दिया हुआ था. कितने महीने बाद ब्रेकडाउन हो रहा है तो साल में कितनी बारी ब्रेकडाउन होगा वो हमने निकाल लिया ट्वेल्थ से डिवाइड करके सेकेंड और थर्ड सम में प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था तो फ्रीक्वेंसी से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया यही डिफरेंस है और सेकेंड और थर्ड सम में क्या डिफरेंस है सेकेंड सम में जो कॉस्ट दिया हुआ था ब्रेकडाउन का वो पर मंथ का था पे एक एक दिन का दिया हुआ है क्यों क्योंकि सम में जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन था था वो मंथली यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो पर डे का ऑब्जर्वेशन था एकदम क्लियर है डिमार्केशन बिटवीन ऑल द थ्री सम्स तो बारीकी से हमें एक एक माइन्यूट डिटेल में पढ़ना है नहीं तो सम्स क्लियर नहीं होगा मैंने सोचा था आज फोर्टीन फोर नंबर भी करा देती बट मुझे नहीं लगता फोर मुझे परमिशन दे रहा है टाइम मुझे परमिशन दे रहा है आप फाइव कर लो क्योंकि फाइव ऑलरेडी मैंने करवा दी है मैं आपके लिए वेट कर रही हूं आप कर लो अपने आप से मीन टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब क्या हुआ कि हर तीस तीस घंटे बाद मशीन का फेलियर होगा तो मशीन का अप टाइम हो गया ये मीन टाइम बिटवीन मतलब एवरेज एवरेज तीस घंटे तक मशीन स्मूथली चलेगा ये मशीन चल रहा है फिर मशीन खराब हुआ फिर ये मशीन चला तो ये दोनों के बीच में मीन टाइम क्या थर्टी आवर्स यानी हर तीस घंटे बाद मशीन खराब हो रहा है तो तीस घंटे तक तो स्मूथली चलेगा ना हाँ हाँ छोड़ रही हूं बस ये लास्ट समय कर लो तीस घंटे तक तो मशीन चलेगा ना और खराब होने के बाद रिपेयर होगा तो रिपेयर पांच घंटे तक होगा तो ये क्या हो गया डाउन टाइम अब आप समझ गए अवेलेबिलिटी निकालना है नहीं निकाल लोगे अवेलेबिलिटी नहीं निकाल लोगे अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था अप टाइम डिवाइडेड बाई टाइम प्लस डाउन टाइम दो मशीन का दिया हुआ है दोनों मशीन का अलग अलग निकाल लो किसका ग्रेटर अवेलेबिलिटी है बता दो रिलायबिलिटी किसका ज्यादा होगा जो ज्यादा समय तक चलेगा जिसमें रिपेयर में भी कम समय लगेगा तो कौन सा मशीन ज्यादा समय तक चल रहा है ये फोर्टी आवर्स चल रहा है ये थर्टी आवर्स चल रहा है इसको रिपेयर में पांच घंटा लग रहा है इसको रिपेयर में सिर्फ दो घंटा लग रहा है तो किसका रिलायबिलिटी ज्यादा होगा प्रोडक्ट बी का ना येस और नो मेंटेनेबिलिटी भी किसका ज्यादा होगा जिसका लंबा समय तक जो चल रहा है जिसका फेलियर का टाइम जो है वो कम है जैसे ये थर्टी आवर्स तक चला उसके बाद फेल हुआ ये फोर्टी आवर्स तक चला तो किसको लंबे समय तक मेंटेन करोगे प्रोडक्ट बी <laughs> अवेलेबिलिटी निकाल लो दोनों का प्रोडक्ट ए का और ब्री बी B का दोनों का अवेलेबिलिटी निकाल लो अप टाइम प्लस डाउन टाइम सॉरी 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 अप टाइम डिवाइडेड बाय अप टाइम प्लस डाउन टाइम समझ में आया फॉर्मूला ऊपर में मैंने समझाया था तो प्रोडक्ट ए जो मशीन है वो कितने टाइम तक अच्छे से चल रहा है तीस घंटे तक और खराब होने से कितने समय लग रहा है रिपेयर में पांच घंटा तो तीस प्लस पांच और वैसे प्रोडक्ट भी चालीस घंटा चल रहा है और रिपेयर होने में दो घंटा लग रहा है तो डाउन टाइम दो घंटा अप टाइम चालीस घंटा दोनों को मल्टीप्लाई किया हंड्रेड से परसेंटेज निकालने के लिए कितना आ रहा है बताओ दोनों का अवेलेबिलिटी कितना आ रहा है परसेंटेज इसका तीस बाई पैंतीस मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड एट्टी फाइव पॉइंट सेवन वन परसेंट और इसका फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो ऑब्वियस अब आता है इसका अवेलेबिलिटी ज्यादा है मशीन बी का अवेलेबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट बी का अवेलेबिलिटी ज्यादा है

क्वेश्चन वन में आंसर लिखा प्रोडक्ट बी हैज हायर रिलायबिलिटी बिकॉज़ इट्स एमटीबीएफ ऐसे लग रहा एमटीबीएफ क्या टर्म है बच्चे ए में डर जाते हैं लगता है कोई फार्मूला एमटीबीएफ का मैम ने पढ़ाया नहीं अरे मीन टाइम मतलब एवरेज टाइम बिफोर फेलियर कितने टाइम चला फेल होने के पहले है ना सिंपल फेल होने के पहले मशीन कितने समय तक चला 40 घंटे तक बिकॉज इट्स मीन टाइम इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट बी दे प्रोडक्ट ए सॉरी और एवरेज रिपेयर टाइम कितना लगा पांच घंटा तो मीन टाइम टू रिपेयर मतलब रिपेयर टाइम पांच घंटा वैसे मेंटेनेबिलिटी प्रोडक्ट बी का ज्यादा यही सेम आंसर लिख देना डन और अवेलेबिलिटी आप निकाल लोगे अपटाइम डिवाइडेड बाई अपाइम प्लस डाउन टाइम एज सिंपल इज दैट So होमवर्क क्या लिखो चारो समय इंपॉर्टेंट है, है सम थ्योरी दिया है वो लिख लोगे अपने कॉपी में थ्योरी का नोट गूगल ड्राइव लिंग में अपडेट हो जाएगा थ्योरी लिखने के बाद रिविजन करोगे सारे फॉर्मूलास को और वापिस से सारे सम्स रीडू करोगे अपने होमवर्क कॉपी में मैंने बोला था ना दो कॉपी मेंटेन करने प्रैक्टिस कॉपी में वापिस से चारों सम रीडू करना कर लोगे बच्चा लोग चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू हैव एंजॉयड द इंजॉयडेज लेक्चर आज का लेक्चर समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा नेक्स्ट क्लास और डिफिकल्ट होने वाला है और टेक्निकल होने वाला है तो मेक श्योर sure आप आज का क्लास अच्छे से पढ़कर और रिवाइज करके आओ नहीं तो नेक्स्ट क्लास जो है और दिमाग जो है पूरा उड़ जाएगा ठीक है तो प्रॉमिस मी नेक्स्ट क्लास पढ़ाई करके आओगे बाय बाय